कडोदरा नगर खाते कांग्रेस ना होदेदारों द्वारा जनसंपर्क अभियान त्रीजा दिवसे वोर्ड नंबर 6 अने 7 मां आवता बालाजी नगर तेमज हरिधाम सहित अन्य सोसायटी मतदाताओं ने तेमनी विचारधाराओ साथे रूबरू कर्या हता। स्थानिक स्वराज्य की चूंटणी तारीख नु काउंटडाउन शुरू थई गयु छे। 28 फेब्रुआरी रोज नगरपालिकाओं की चूंटणी योजावा जई रही छे। ते संदर्भे कांग्रेस पार्टी द्वारा कडोदरा नगर खाते पोताना जनसंपर्क अभियान ना त्रीजा दिवसे वोर्ड नंबर 6 बालाजी नगर खाते वोर्ड नंबर 7 हरिधाम सोसायटी खाते मतदाताओं संपर्क करवामां आव्यो हतो। जे अंतर्गत वोर्ड नंबर 7 हरिधाम खाते मोटी संख्या में जनमेदनी जोवा मळी हती। वोर्ड नंबर 6 ना बालाजी नगर सोसायटी ना रहीशो ने कांग्रेस पार्टी ना प्रभारी द्वारा संबोधन करता जणाव्यु हतु के एक वखत कडोदरा नगरपालिका नी सत्ता पर कांग्रेस ने वोट आपी लावी जोवो। सामान्य माणसो ना अत्यार सुधी मां अटवाई चुकेला तमाम कार्य कांग्रेस पार्टी पर पूर्ण करशे तेम तेमणे बाहेदारी आपी हती। जयरे वोर्ड नंबर 7 में आता हरिधाम सोसायटी तेमज बाजू में आवेला प्रियंका ग्रीन सीटी महालक्ष्मी सोसायटी तथा सम्राट ग्रीन सीटी मतदाताओं ने कडोदरा नगर कांग्रेस प्रवक्ता तेमज संगठन प्रमुख उमेश सिंह राजपूत द्वारा संबोधन कराया। संगठन प्रमुख उमेश सिंह राजपूत द्वारा पोताना चूंटणी धंधेरा उपलक्ष्य में जणाव्यु हतुं के कडोदरा नगर विस्तार में उत्तर भारतीय समुदाय व्यक्ति नुं जारे पण निधन निपज्यु होय छे त्यारे तेना गामडे वसता परिवारों तेना पार्थिव देवना दर्शन के अंतिम संस्कार करवानो मौको मळतो नथी। तेथी कांग्रेस पार्टी जो सत्ता पर आवशे त्यारे तेनी प्रथम प्रायोरिटी कडोदरा नगर खाते वसता उपर भारतीय लोको माटे एम्बुलेंस सुविधा पूरी पाडवामां आवशे तेवी जाहेरात करी हती। आज हमारे जनसंपर्क अभियान का तीसरा दिन था जो कल हमने किया था, उसके माध्यम से वार्ड नंबर 6 बालाजी नगर और वार्ड नंबर 7 हरिधाम सोसाइटी में आज कार्यक्रम रखा था लोगों को जागृत करने के लिए, लोगों को समझाने के लिए, उनके मान सम्मान को जगाने के लिए। देखिए, मैं बहुत पॉजिटिव इंसान हूँ और मैं इसको अच्छे रूप में देखता हूँ। आनंद पाटिल हमारे कॉर्पोरेटर हैं, वो चले गए भाजपा के अंदर, लेकिन उन्होंने जिस परिस्थिति में या प्रलोभन में गए वो हमारे लिए बहुत बड़ा एक उपहार है और हमारे कांग्रेस पार्टी के लिए वो फायदा कारक है, बल्कि नुकसानदेह नहीं है। वो हम समाज में उठाएंगे उस मुद्दे को और उस व्यवस्था को देखेंगे।